तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पेपर का गहराई बताने वाले हैं कि पेपर किस चैप्टर से कहाँ से आया था, ठीक है ना। और इसमें आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस आसान थे, बहुत ही आसान थे। जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे कोचिंग या ऑनलाइन क्लास में, वो काफ़ी रिस्पांस उनको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहले चैप्टर से है ये क्वेश्चन दोनों, और ये आपके तीसरे चैप्टर से है अब्यू से। ये समुच्चय एन में संबंध आर परिभाषित है, तो आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस टू कामा बीस ग्रेटर देन सिक्स द्वारा हो, तो छः कामा एट बिलोंग्स टू आर, यानी छः और आठ किससे रिलेटेड होंगे, आर से। और एक्स बराबर ए कामा बी वाई बराबर एक कामा दो, तो एक्स से वाई तक फलनों की संख्या होगी छः, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बनेगा ना ए वन से ए का, दो से बी का, एक से बी का, दो से सी का, एक से सी का, तो छः आएगा। समान कोड का इसका होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे लंबवत हो जाएगा, ए तथा बी लंबवत होंगे ए क्रॉस बी में, और इसका तो सूत्र ही होता है, ये चौथा नंबर सूत्र हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका दूसरे चैप्टर से था प्यारे बच्चों, ये पहला, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आया था। और फिर ये आपका था अब्यू से आया था, इन दोनों को हल करेंगे एक्स का मान मिल जाएगा समीकरण। फिर ये भी आपके अब्यू सारणिक से है, पंद्रह में से 14 घटाओ एक आएगा, 18 में से 17 घटाओ एक आएगा, 21 में से 20 घटाओ एक आएगा। हाँ, तो यहाँ पे घटाने के बाद यहीं पे लिख दो एक, फिर ऐसे इसमें से घटाओगे एक एक, तो जब दो स्तंभ बराबर हो जाते हैं किति सारणी के, उसका मान शून्य हो जाता है, ठीक। यदि वाई बराबर लाग ऑफ टेन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स बराबर पाई बाई फोर, तो इसका भी एक बार अवकलन करेंगे, पाई का मान रखेंगे एक्स का आ जाएगा। यहाँ पे आप खंडसर समाकलन लगाएंगे, पहला फलन दूसरा फलन का, तो हो जाएगा एक नंबर का, एक लाइन का आंसर है, ठीक। फिर देखिए इसके दो बार अवकलन करेंगे तो ये चीज़ सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अवकलन समीकरण का है। ये आपका वेक्टर से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसको उधर पक्षांतर करके एक बार ए से गुणा कर दो, फिर बी से गुणा कर दो, फिर सी से गुणा कर दो, और सबको जोड़ दोगे तो इसका मान आ जाएगा। ये आपके प्रश्नावली की सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो ये पहला चैप्टर का है, तुल्यता संबंध निकालना है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये भी काफ़ी क्वेश्चन सरल था, इसका अवकलन करेंगे, उसके बाद एक्सर समांतर रखेंगे, जीरो रखेंगे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो रखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो अपवर्जी घटनाएं हैं, प्रायिकता से है, ठीक है ना। 13.2 का प्रश्नावली का ये है क्वेश्चन, ठीक। तो ए पी प्राइबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी वाला सूत्र लगा देंगे, पी का मान आ जाएगा। यहाँ पर खंडसा, यहाँ पर देखो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ऊपर घात सम है तो इसका मान कुछ ना कुछ मिलेगा, विषम होता तो जीरो कर देते डायरेक्टली, ठीक। फिर यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आपका रैखिक प्रोग्रामिंग से है, दो समीकरण मिलेगा, इसमें न्यूनतम मान निकालना है जेड का, ठीक। फिर यहाँ पर वर्धमान है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन, ठीक। ये भी काफ़ी क्वेश्चन सरल आया है, ठीक। और ये भी देखिए, ये आपका था प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे ये आपका निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग है, फिर ये भी आपका सारणिक का है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, फिर वेक्टर से आ गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप पढ़े होंगे तब आसान हैं, आप पढ़े नहीं होंगे तो आसान नहीं होंगे, इतने भी आसान नहीं हैं, क्योंकि इसमें गणना वाला क्वेश्चन है, ठीक। इतना बराबर देखो ये आया है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लेफ्ट लेकर चलो राइट ले आना है, फिर यहाँ पे इसके अवकलन दो बार अवकलन करूँगे, अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये किसका है, प्रश्नावली का क्वेश्चन, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 5 का पहला प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन एज इट इज आ गया है,
ठीक है ना। फिर अवकलन समीकरण का तिर्य गुणा करके दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे, ये भी आ जाएगा। ओके सिद्ध कीजिए, ये आपका समाकलन का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, 8 नंबर का, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक खंड करना है। ठीक, देखो साथ में कोई एक खंड करे तो यही कर लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसमें भी एक खंड करना है, तो चाहे ये कर लो चाहे ये, बहुत आप व्यूहन विधि से सरल करोगे तो बहुत आसान है, यही कर लेना आपको। ठीक, और इसमें भी एक करना है, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, तो ये कर लेना। ये वृत्त वाला है, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा इसमें। फिर उसका अवकलन कर देंगे दो बार, आंसर आ जाएगा। अवकलन समीकरण का क्वेश्चन था, प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये सब। ठीक, तो जो बच्चे किए होंगे वो खुश होंगे, और जो बच्चे नहीं किए होंगे ना खुश होंगे नाराज होंगे। अब अगले बात फिजिक्स, अब इससे भी ज़्यादा कठिन फिजिक्स है, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन किए थे 7992087382 पर, उनका अच्छा पेपर गया होगा, जो ज्वाइन नहीं किए थे वो तो बेकार ही चले गए होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय।